जनपद हमीरपुर में भी विभिन्न मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर राठ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट 2 घंटे के कार बहिष्कार पर रहे। सीएससी में तैनात फार्मासिस्ट विवेक गुप्ता व मनोज के कार बहिष्कार पर रहने से दवा वितरण सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं हुई ठप। 2 घंटे बाद जब फार्मासिस्ट काम पर वापस लौटे तब कहीं जाकर मरीजों को राहत की सांस ली। इससे पूर्व बीते 2 दिन हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, बताया कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो फार्मासिस्ट अनिश्चितकालीन कार बहिष्कार को मजबूर होंगे। फार्मासिस्ट के कार बहिष्कार करने पर मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर दवा के लिए मरीज खड़े रहे। क्या नाम है आपका सर? विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता जी, आज किस चीज़ को लेकर हड़ताल की जा रही है? अभी ये तारीख 6 और तारीख 7 को दो दो घंटे का कार्य बहिष्कार है और कल सेकंड सैटरडे का सामूहिक अवकाश, और अगर मांगे न मानेगी तो फिर 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की। इमरजेंसी भी सेवाएं बंद रहेंगी? हाँ, 10 तारीख से इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए सीतू सेंगर की रिपोर्ट।